नमस्कार, मैं हूं अनुराधा और आप देख रहे हैं तीखी नजर इंडिया न्यूज चैनल। आज दिनांक 19/9/2020 को दिन 11 बजे नेशनल जागरण पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मुकेश कुमार द्वारा पार्टी के हवेली खड़गपुर प्रखंड कार्यालय से मुंगेर जिला कार्यालय का उद्घाटन फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर श्री कुमार ने पार्टी के विस्तार करते हुए मुंगेर जिला महासचिव के पद पर रामविलास पासवान, हवेली खड़गपुर प्रखंड सचिव के पद पर लालजी केसरी मोहम्मद मुस्तकीम को मनोनीत किए और सभी पदाधिकारी गण को मनोनयन पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि भविष्य में पार्टी का और विस्तार किया जाएगा। पार्टी के सभी सक्रिय कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। श्री कुमार ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी के सभी पदाधिकारी और पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता चुनाव में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। पार्टी के द्वारा तय उम्मीदवार को चुनाव जिताने में पार्टी के कार्यकर्ता कोई भी कमी कसर नहीं रहने देंगे। श्री कुमार ने बताया कि बिहार की जनता अब परिवर्तन चाहती है, इसलिए परिवर्तन के इस मौके पर नेशनल जागरण पार्टी तैयार है और बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर अपने सक्रिय कार्यकर्ता के साथ चुनाव के मैदान में उतरने को तैयार है। नेशनल जागरण पार्टी पूरे बिहार में विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करेंगे। हवेली खड़गपुर से लवली कुमारी की खास रिपोर्ट। आप नेशनल जागरण पार्टी के क्या हैं? प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस पार्टी का विस्तार करना है? इस पार्टी का विस्तार यहाँ कर रहे हैं और हवेली खड़गपुर प्रखंड में अध्यक्ष के अनुशंसा से, जिला अध्यक्ष के अनुमोदन से कमेटी गठन किया गया। इसमें 21 सदस्यीय पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी निगम और उन्होंने पत्र दिया गया। Press the bell icon on YouTube and never miss another update.